नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक, एवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। देश लाशों से पट रहा है, मानवता हर ओर शर्मसार कर रही है और इसलिए कहीं अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित तो कहीं दर दर की ठोकरें खाता कोरोना मरीज, कहीं एम्बुलेंस का इंतजार तो कहीं अस्पतालों के बाहर पड़े मरीज इलाज को तरस रहे हैं, तो कहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग और हर शहर में कोरोना से मौत के बाद जलती हुई चिताएं देश के हालात बयां कर रही हैं कि देश किस दौर से गुजर रहा है। और ऐसे में यदि कोई भी किसी भी की भी मदद के लिए आगे आता है तो भगवान का दूत बन जाता है। 60,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन की जिस खेप को मुंबई पुलिस कालाबाजारी का स्टॉक समझकर जब्त करने जा रही थी, वह स्टॉक भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र सरकार को खरीद कर देने जा रही थी। इस बात का खुलासा भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रसाद लाड सोमवार को किया। प्रसाद लाड ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो कंपनी इंजेक्शन की आपूर्ति करके महाराष्ट्र की मदद कर रही थी, उसे पुलिस स्टेशन बुलाया गया और पूछताछ की गई इस डर से कि बीजेपी को इसका श्रेय न मिल जाए। महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश की है, जो निंदनीय है। प्रसाद लाड ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नेता जनता की भलाई के लिए किसी भी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार है और वो किसी भी कार्रवाई से डरते नहीं है। उन्होंने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के आरोप पर कहा कि महाविकास अघाड़ी के नेता बिना वजह फडणवीस को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी का पुलिस पर आरोप लगाना राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा और डर का एहसास कराता है। आप कुछ सुनवाते हैं प्रसाद लाड की सरकार पर तीखे हमले कि किस तरह से उन्होंने सरकार पर महाविकास अघाड़ी के नेताओं जमकर हमला बोला। मैं आपके माध्यम से एक चीज बताना चाहूंगा। आज जो मैं बात कर रहा हूँ, मेरे मीडिया से बहुत विनती है कि जो मेरी बात है वो जनता के सामने पूरी पहुंचाने की कोशिश की। शायद वक्त का तकादा होता है, लेकिन जनता के सामने सच जाना या सच बताना आपका काम है। मैं रेमडेसिविर के बारे में बताना चाहूँगा कि ये विषय अब राज्य स्तरीय न रहते हुए ये राष्ट्रीय स्तर पे चला गया है और कांग्रेस की नेता सम्माननीय प्रियंका गांधी जी ने आज ट्वीट किया है। मुझे ऐसे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस जी का इतना डर इनके मन में छाया हुआ है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में दिखते हैं तो उन्हें डर लगता है, महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता उनका सामना नहीं कर सकते, इसलिए शायद राष्ट्रीय स्तर के नेता को आज ट्वीट करना पड़ता है। ये हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत प्रशंसनीय ऐसी बात है, लेकिन जनता के लिए बहुत दुख की बात है। जिस चीज़ को प्रियंका गांधी जी जनता के सामने ट्वीट के माध्यम से ला रही है, उसकी सच्चाई शायद प्रियंका जी को मालूम नहीं होगी। मुझे ऐसे लगता है कि मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके तक पहुंचाने की कोशिश जनता करे या कांग्रेस के कार्यकर्ता करे। माननीय प्रियंका जी, आज के रेमडेसिविर के विषय में जो आपने ट्वीट किया है, उस माध्यम में मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि 7 दिन पहले हमने ब्रुक्स फार्मा के दमन के फैक्ट्री को विजिट की थी। मीडिया के कुछ लोग हमारे साथ थे, हमने मीडिया को साथ में लेकर पूरे फैक्ट्री का जायज़ा किया, पूरे मीडिया ने उसका रिकॉर्डिंग किया। रेमडेसिविर कैसे तरीके से बनाई जाती है, रेमडेसिविर बनाने का तरीका क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने कैमरा में कैद की है। उसके बावजूद जो मालिक 100% एक्सपोर्ट करता है, साउथ अमेरिका और यूरोप के कई कंट्रियों को जो एक्सपोर्ट करते हैं, उन मालिकों को विनती करने के बाद माननीय देवेंद्र जी फडणवीस विपक्ष के नेता और माजी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, उनकी विनती के बाद माननीय विरोधी पक्ष नेता विधान परिषद प्रवीण दरेकर जी और हमने विनती की। प्रवीण जी के नेतृत्व में मैंने फैक्ट्री में विजिट की और हमने जब फैक्ट्री मालिकों को विनती की कि आप महाराष्ट्र के लिए कुछ तो कीजिए, उसके बाद उन मालिकों ने
वो मुंबई में रहने वाले स्थित है, उन्होंने हमारी विनती मान्य की और महाराष्ट्र को रेमडेसिविर सरकारी पेपर के परवानगी के बाद देने के लिए मान्यता दी। हमने तात्काल देवेंद्र जी के विनती के ऊपर 50,000 वाइल्स की बुकिंग वहां पर की। वो 50,000 वाइल्स हम मुंबई में लाकर सम्माननीय फूड एंड ड्रग्स मिनिस्टर राजेंद्र शिंगणे जी को देने वाले थे, जिसका ये पत्र सम्माननीय प्रवीण दरेकर विपक्ष के नेता ने 15 तारीख को मीडिया को साथ में लेकर सम्माननीय राजेंद्र शिंगणे जी को दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी हमें कोई भी पत्र व्यवहार सरकार की तरफ से हमें या ब्रुक्स कंपनी को हुआ नहीं है। उसके अलावा जिस वक्त हम लोग दमन की फैक्ट्री से निकले, हमने तत्काल महाराष्ट्र के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे जी को माननीय प्रवीण दरेकर साहब ने फ़ोन किया। उस वक्त भी गाड़ी में कई सम्माननीय पत्रकार हमारे साथ थे। सीताराम कुंटे जी ने कहा कि आपको फूड एंड ड्रग्स के कमिश्नर या फूड एंड ड्रग्स के सेक्रेटरी बात करेंगे। हमने कोशिश की बात करने की, लेकिन उन्होंने बात की नहीं। फिर हमने फूड एंड ड्रग कमिश्नर अभिमन्यु काले जी से बात की, उन्होंने हमें तत्काल बताया कि मुझे शिंगणे साहब का मैसेज आया हुआ है, हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लेकिन फूड एंड ड्रग्स कमिश्नर एक छोटा आदमी होता है, इसके लिए सरकार की जिम्मेदारी लगती है। मुझे ऐसे लगता है कि जब विरोधी पक्ष का नेता माजी मुख्यमंत्री राज्य सरकार को इस पैंडेमिक सिचुएशन में एक बात बताना चाहता है जो राज्य के हित की हो, आज राज्य में कई लोग मर रहे हैं, इसका कारण है ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन। मुझे ऐसे लगता है, मैंने कई बार टीवी पे टोहा फोड़ते हुए मेरी बहनों को देखा है, वो रो रही थी कि बता रही थी कि हमारे पास रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं है और इंजेक्शन सिर्फ राजनीतिक पार्टी के लोगों को मिल रहा है, या उनका दुख इन्हें देखा नहीं जाता, यही बात मुझे पूछनी है। मुझे ऐसे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री ने कट्टी बट्टी का जो खेल हम लोग बचपन में खेलते थे, अब मुझे मूड नहीं है, मैंने कट्टी ले ली, अब मुझे अच्छा मूड है, मैंने बट्टी ले ली, ये खेल जो मुख्यमंत्री कर रहे हो, खेल वो बंद करना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री राज्य के प्रमुख के नाते सम्माननीय देवेंद्र जी को फोन करते और उन्हें बताते कि देवेंद्र जी आपके पास अगर रेमडेसिविर की व्यवस्था है तो हमें भेज दीजिए, हमारे साथ बात कीजिए, हम आपके साथ हैं, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री के पीछे पूरे खंबीरता से खड़ी रहती। लेकिन उन्होंने वो किया नहीं। जनता की मृत्यु हो रही है, जनता तकलीफ में है, जनता रो रही है, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी से बात नहीं करेंगे, ये भूमिका में आकर माननीय मुख्यमंत्री या सरकार ने कोई बात नहीं की। सर, क्या आपके तरफ से कोई बात करने के प्रयास हुए थे? हमने आपको बताया कि हमने राजेंद्र शिंगणे जी को 15 तारीख को खत दिया, वो खत में हमने बताया कि हम 50,000 रेमडेसिविर राज्य सरकार को देने को तैयार है। उसके बावजूद भी हमें पत्र मिला नहीं। फिर उसके बाद एक दिन बाद, दो दिन बाद वो पत्र निकालते हैं जिसमें 11 कंपनी को रेमडेसिविर महाराष्ट्र में लाने की परवानगी देते हैं, लेकिन ये पत्र से कोई रेमडेसिविर देता नहीं है। इसके बाद एक स्पेसिफिक सिंगल परमिशन पैंडेमिक सिचुएशन की, कंटेंट टू द पैंडेमिक सिचुएशन आप हमें सप्लाई कीजिए, विदाउट टेंडर कीजिए या आपके जो भी सिस्टम होगी उसमें से कीजिए, ऐसा पत्र कंपनी को जाना चाहिए, वो पत्र उन्होंने दिया नहीं। जब हमने 50,000 खरीदे किए, हम वो पक्ष पार्टी के लेवल पर बांटने वाले नहीं थे, हम वो सरकार को देने वाले थे, उसके बावजूद भी उसको लाने की परवानगी हमें दी नहीं गई। उसके बाद वो जो परवानगी हमें मिली है, वो परवानगी हमें मिली है परसों के दिन, जिसकी तारीख है 17 तारीख। मुझे ऐसे लगता है ये पत्र देने के बाद भी मालिक के ऊपर प्रेशर किया गया, मालिक को राजेंद्र शिंगणे जी के ओएसडी का फोन जाता है, वो धमकी देता है, वो बोलता है आप देवेंद्र फडणवीस को देते हो, हमें क्यों नहीं देते हो, वो तो आज भी बता रहे कि हम राज्य सरकार को देने को तैयार है, लेकिन राज्य सरकार कोई पत्र व्यवहार करने को तैयार नहीं है। इसके बावजूद भी उस मालिक को फोन जाता है, रात को उसके घर में पुलिस जाती है, 11 पुलिस उसको आरोपी की तरह लेके आती है, घर में बताया जाता है पार्ला पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, माननीय माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र जी पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर एलएंडओ से बात करते हैं, उन्हें विनती करते हैं क्या हुआ है, वो बताते हैं मुझे मालूम नहीं। देवेंद्र जी माननीय आयुक्त को बात करने की कोशिश करते हैं, आयुक्त तो फोन पे आते नहीं है। ऐसे सिचुएशन में अगर माननीय उप माजी मुख्यमंत्री और विरोधी पक्ष नेता दरेकर जी कुछ आमदारों के साथ अगर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो उसमें गलत क्या है?
लेकिन वहां भी ताज्जुब वाली बात थी। हम वहां पहुंचे, वहां पे जिस व्यक्ति को लाया गया था वो पुलिस स्टेशन में ही नहीं था, हम लोग आ रहे करके वहां से उसको कहीं हिलाया गया था। क्या ये मनसुख हिरेन जैसी कोई कहानी तो नहीं है? ये हमारे मन में एक डर सा आ गया। फिर हमने डीसीपी से बात की तो मालूम पड़ा उन्हें बीकेसी पुलिस स्टेशन बुलाया गया है। अरे एक व्यापारी को आप इस तरह की अगर व्यवहार करोगे तो निश्चित रूप से कोई भी व्यापारी महाराष्ट्र के साथ व्यवसाय करने से डरेगा। और माननीय गृह मंत्री बोलते हैं कि वो हमारे ऊपर गुनाह दाखिल करेंगे। मैं माननीय गृह मंत्री वलसे पाटिल जी की बहुत आदर करता हूँ, उनके साथ मैंने काम किया है, उनकी प्रशासकीय काम करने के तरीके का भी मैं आदर करता हूँ। लेकिन अगर वो हमें धमकी देते हैं कि हमारे ऊपर गुनाह दाखिल करेंगे तो इस महाराष्ट्र की जनता के लिए, इस महाराष्ट्र की जनता की स्वास्थ्य के लिए, इस महाराष्ट्र के जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक नहीं, माननीय गृह मंत्री जी आप 5-5 केस कीजिए, हम केस लेने के लिए तैयार है। ये डराने वाली बात हमारे साथ मत कीजिए, हम कोई डरने वाले नहीं है। मैं आपके माध्यम से जनता को यही बताना चाहता हूँ कि हमारी भावना बहुत साफ है, हम जनता की सेवा के लिए रेमडेसिविर ला रहे हैं। जो मेरी जनता, मेरी बहन, मेरा भाई मर रहा है उसके लिए हम रेमडेसिविर ला रहे हैं, ना ताकि हम आपके साथ राजनीति करने के लिए रेमडेसिविर ला रहे हैं। नवाब मलिक हो या जितेंद्र आव्हाड हो, उनको तो मैं बात करना चाहता हूँ कि ये कोई राजनीतिक संघर्ष का टाइम नहीं है। मैं सम्माननीय पटोले साहब से बात करना चाहता हूँ, ये राजनीतिक संघर्ष का वक्त नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में जनता की सेवा करने का मौका मिल रहा है और अगर हम आपके साथ साथ देने के लिए तैयार है तो आप साथ लेने के लिए तैयार है, जनता के सामने आकर बात कीजिए। झूठी बात कर भारतीय जनता पार्टी को डराने की और घबराने की कोशिश मत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी कभी भी डरेगी नहीं, जनता के साथ कायम जनता के साथ रहेगी। सर, इस बीच जो मौतें हुई हैं, जो मरीजों की मौत हुई है, उसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? ये सारी मौतें जो हुई है वो ऑक्सीजन नहीं होने के कारण, रेमडेसिविर नहीं होने के कारण मौतें हुई है। मैं तो ऐसे मानता हूं कि महाराष्ट्र का प्रमुख होने के नाते, तुम्हारा मेरा सबका प्रमुख होने के नाते, माननीय मुख्यमंत्री जी की ये जिम्मेदारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार के साथ बात करने चाहिए, वो जनता के बीच आने चाहिए और ये सारे मृत्यु की जिम्मेदारी है सरकार के ऊपर और सरकार का प्रमुख होने के नाते मुख्यमंत्री के ऊपर जाती है। सरकार एक तरफ कह रही है कि हम जो है लेटर निकाल रहे, कंपनियों से दरख्वास्त कर रहे हैं रेमडेसिविर दे, लेकिन आपने लेटर दे गया, उसमें कहा गया कि ग्रुप फार्मा से कोई भी सरकार ने इतना नहीं किया था। इसका मतलब यह है कि सरकार जो है बयानबाजी कर रही है, लेकिन अगर देखा जाए पेपर पर किसी कंपनी को कॉन्टेक्ट नहीं कर रही है रेमडेसिविर देने के लिए। मैं आज ही, मेरे पास एक फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर आया हुआ था, उनके पास जाइडस की एजेंसी है, मुंबई महानगर पालिका ने उन्हें 20,000 वाइल्स देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, लेकिन अभी तक जाइडस के माध्यम से 10,000 वाइल्स भी उन तक पहुँचे नहीं है। अगर 11 कंपनियों को तुम खत देते हो, अगर उनके साथ तुम पत्र व्यवहार करते थे, माननीय मुख्यमंत्री, फूड ड्रग्स मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर अगर वैयक्तिक लेवल पर बात करते थे तो इन सारी कंपनियों का हेड ऑफिस मुंबई में है। 5,000 वाइल्स भी अगर एक कंपनी देती तो लगभग 50,000 वाइल्स रोज के महाराष्ट्र में आते और 7 दिन में ये पैंडेमिक सिचुएशन खत्म हो जाती। लेकिन सरकार में से किसी ने भी आगे आने की कोशिश की नहीं। क्या यहाँ पर पैसे के दलाली का विषय है? ये प्रश्न भी हमारे सामने आ रहा है और मेरा ये स्पष्टता से आरोप है कि ये जनता आपके पास देख रही है, बहुत ही उम्मीद के साथ देख रही है और भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है वो भी जनता देख रही है। आज तो भी इस पैंडेमिक सिचुएशन में भ्रष्टाचार का मुद्दा छोड़कर जनता की सेवा के लिए काम करे, ये मेरी विनती है। एबी न्यूज में अभी तक की खबरों का सफर करते हैं समाप्त। मेरे पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश विनती अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या कोई घटना घटित हुई है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपसे विनती, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।